विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। आप सभी साथियों का हृदय पूर्वक स्वागत है। परसों आप सभी का बहुत बड़ा इम्तिहान है और मुझे मालूम है कि आप उसमें शानदार नंबरों से पास होंगे, सफल होंगे। मैं गणतंत्र दिवस के लिए और गणतंत्र दिवस परेड के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। फ्रेंड्स, यहां आप जितने भी साथी एकत्र हुए हैं, आप एक प्रकार से मिनी इंडिया, न्यू इंडिया को शोकेस करने वाले लोग हैं। भारत असल में क्या है, ये हमारा देश और पूरी दुनिया आपके माध्यम से देखेगी, जानेगी, समझने का प्रयास करेगी। एनसीसी और एनएसएस, इसके माध्यम से अनुशासन और सेवा की एक समृद्ध परंपरा जब राजपथ पर दिखती है तो देश के करोड़ों युवा प्रेरित और प्रोत्साहित होते हैं। देश की समृद्ध कला संस्कृति भारत की धरोहर को प्रदर्शित करने वाली झांकियां, उसको लेकर जब आप राजपथ पर निकलते हैं तो पूरी दुनिया मंत्रमुग्ध होकर के देखती है। विशेष तौर पर हमारे आदिवासी भाई बहन तो अपने प्रदर्शन से एक अद्भुत और अनूठी विरासत को देश और दुनिया के सामने लाते हैं। इतनी ठंड के बावजूद इस तरह आपका मेहनत करना, लगातार जुटे रहना बहुत ही प्रशंसनीय है। इस बार जब मैं परेड में रहूंगा तो यह तसल्ली जरूर होगी कि आप सभी, हर टेबलो आर्टिस्ट से मैं मिल सका और 26 जनवरी को शानदार बनाने में आपके योगदान के लिए आपका आभार व्यक्त कर सका। साथियों, आप सभी देश की विविधताओं को दिल्ली तक तो लाते ही हैं। दिल्ली में जो विविधता गणतंत्र दिवस पर देखते हैं, उसका संदेश भी अपने अपने क्षेत्र में लेकर के जाते हैं। आप एक भारत श्रेष्ठ भारत की सोच को साकार करते हैं। जब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं तो हमें ये भी याद रखना है कि आखिरकार ये भारत है क्या, असल में भारत है क्या, भारत की अपनी पहचान क्या है। भारत क्या सिर्फ सरहदों के भीतर 130 करोड़ लोगों का घर मात्र ही है क्या? आपका मन भी कहेगा जी नहीं। भारत एक राष्ट्र के साथ साथ एक जीवंत परंपरा है, एक विचार है, एक संस्कार है, एक विस्तार है। भारत का मतलब वसुधैव कुटुंबकम, भारत का मतलब सर्व पंथ संभाव, भारत का मतलब सत्यमेव जयते, भारत का मतलब अहिंसा परमो धर्म, भारत का मतलब एकम सत विप्राह बहुधा वदन्ति, सत्य